भोपाल के वल्लभ भवन में 9 मार्च को लगी आग की जांच के लिए गठित कमेटी ने मंगलवार को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी। कमेटी ने शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी को आग का कारण बताया। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को सौंपी रिपोर्ट में कमेटी ने हादसे के लिए लोक निर्माण विभाग के फाइटर टेंडर व्यवस्था को जिम्मेदार माना है। भवन में लूज वायरिंग समय पर रखरखाव नहीं होने से ऐसी स्थिति बनी। इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी अफसरों की थी। हादसे की जांच के लिए शासन ने एसएससीए हेल्थ मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी को 3 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे। विस्तृत रिपोर्ट फॉरेंसिक साइंस लैब से रिपोर्ट मिलने के बाद दी जाएगी।